नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे सऊदी से रिलेटेड। मैंने दो तीन वीडियो पहले भी डाले थे, स्टेप बाय स्टेप अपन सभी कंट्रियों से रिलेटेड डालेंगे, क्योंकि समय समय पर गवर्नमेंट कामगारों से रिलेटेड जो भी कामगार होते हैं, जो मजदूर जिसको बोल सकते हैं या फिर वर्कर जिसको बोल सकते हैं, उनके हित में थोड़े धीरे 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 अच्छे कदम गवर्नमेंट उठाती है, उसके लिए नियम वगैरह बनाती रहती है। इंडिया में भी ऐसा होता रहता है, हर कंट्री की ये कहानी होती है। तो आज अपन बात करेंगे सऊदी से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, पिछले भी मैंने दो तीन वीडियो डाले थे, आज नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ सऊदी सरकार के कुछ नए नियम लागू किए हैं जो पिछले महीने हैं। अभी वो लागू हुए कि नहीं हुए वो मुझे नहीं पता, लेकिन नियम बन चुके हैं, ये अखबार वगैरह में ये सिस्टम चल रहा है। तो आज अपन बात करेंगे साथियों, सऊदी गवर्नमेंट ने वहां की कंपनी या कफील जो भी है उनके लिए कड़े नियम लागू ये कर दिए कि कंपनियां क्या करती हैं कि लोकल वर्कर को कम रख के दूसरे वर्कर को ज्यादा रखती हैं, क्योंकि उनमें उनको सैलरी कम देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे सऊदी में सपोज करो एक वर्कर 1200 रियाल में रह जाता है और वहां के वर्कर की गवर्नमेंट की मिनिमम सैलरी जैसे 2-3 हजार रियाल होती है, तो वो उनको न देके दूसरे वर्कर को देने की कोशिश करते हैं। तो वहां के वर्कर है वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता, तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो वहां की गवर्नमेंट ने लोकल सऊदीयन वर्कर है उनके लिए अलग से वहां की सिस्टम में 12% कोटा रखा है। जैसे कफील के पास कोई जॉब हो या कंपनी के पास जॉब हो, उसमें 12% कोटा वहां के लोकल वर्कर को रखना ही पड़ेगा, वहां के वर्कर को जॉब देना पड़ेगा, दूसरे वर्कर के जो दूसरी कंट्री के और वर्कर है उनको वो जॉब नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसमें अगर वो जॉब नहीं देते हैं तो उनके साथ क्या कंडीशन होती है, क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे 12% कोटा है, उनमें वो क्या कोटा दिखा देते हैं, फर्जी जाली भर्ती दिखा देते हैं कि हमारे पास 12% लोकल वर्कर काम कर रहे हैं। अगर वो सत्य पाया गया कंपनी या कफील के पास में दावा गलत होता है कि यहाँ वर्कर नहीं है, जाली भर्ती कागजों में शो कर रखा है, तो उन पर 25,000 रियाल जुर्माना लगेगा। जी हाँ साथियों, 25,000 रियाल कंपनी कफील को चुकाना पड़ेगा अगर ये बात सीध हो जाती है कि कोटे में वर्कर नहीं है, जाली दिखा रखा है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगर फिर भी सऊदी लोकल वर्कर, जो लोकल रिजर्व कोटा होता है, उसमें गैर मुल्की वर्कर को अगर नौकरी पर रखा, तो उसके बावजूद भी अगर कंपनी में 25,000 जुर्माना दे दिया, फिर भी कंपनी नहीं मान रही है और फिर भी अगर दूसरे वर्करों को रख रही है, वहां के लोकल को नहीं रख रही है, तो कंपनी को 5 दिन के लिए बंद कर देगी। वहां की गवर्नमेंट का ये नियम बना है, अभी 5 दिन के अंदर उनको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये वहां के वर्कर, सऊदी के गवर्नमेंट के नियम है वहां के लोकल वर्कर के लिए। हालांकि अपने लोगों के लिए काम का है नहीं, अपने लिए चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं साथियों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। दो नियम इसमें बने हैं, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।